Today, we shall read the story from snapshot, The Address by Mark Mingo. The Address by Mark Mingo. It is a very touching story of a girl, and the girl is narrator herself. The story Address gives an account of chaos which followed war. ये कहानी बताती है कि युद्ध के बाद कैसे हर पूरा लाइफ अव्यवस्थित हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब वार के बाद, युद्ध के बाद कैसे जिए, क्या करें. We see what it does to human and their behavior. इस कहानी में हमें मालूम होता है, ज्ञान होता है कि किस प्रकार मनुष्य और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है. We can feel the pain, the grief and mental torture of the survivor of war had to go through. युद्ध के बाद किस प्रकार उन्हें मानसिक यातनाओं का, किस प्रकार उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है या परेशान होते हैं, यह कहानी बताती है. It is about the author's story who returns to her native hometown after the Second World War in Poland. ये कहानी पोलैंड की है. इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वे अपने घर पहुंचती है मारूमी को, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, वह अपना अनुभव शेयर करती है, अनुभव को बताती है. After suffering many losses, she even loses her mother. सब कुछ खोने के बाद अंत में वो अपनी माँ को ही खो देती है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है. This story tells how the author handles the world alone after going through so much pain. इस कहानी में हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार ऑथर कहानी का अकेले इस दुनिया में कदम उठाती है जीने के लिए. We also learn about the world's cruelty towards oppressed. ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार यह संसार, ये जालिम दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है, विशेष करके जिनको सताया जाता है, जो कमजोर होते हैं, जो जिनकी आवाज नहीं उठती है, किस प्रकार उन्हें यह दुनिया छोड़ती नहीं है. It teaches about human pain and self-realization. किस प्रकार आदमी कष्ट उठाता है दुनिया में और अंततः उसे रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसे क्या करना है. He has to live, so he has to decide, not the others. The girl goes on in search of her mother's belongings. इस कहानी में बताता है कि किस प्रकार कहानीकार अपनी माँ के सामान को लेने के लिए अपने होम टाउन, जहाँ उनका जन्म हुआ है, पोलैंड में जाती है. बट इवन आफ्टर फाइंडिंग व्हाट शी सो मच वेटेड टू टच, टू सी, टू फील एंड रिमेम्बर, शी लिव्स एवरीथिंग बिहाइंड एज इट कुड नॉट ब्रिंग हर डेड मदर बैक. जब वो जाती है, जिसे वो चाहती थी कि माँ के वस्तुओं को, सामान को देखूं, उसे टच करूं, महसूस करूं, अंत में वो निर्णय लेती है कि ये सब बेकार है. ये सारी चीजें उसके मृत माँ को वापस नहीं ला सकती है, बल्कि
ये सामान जो उसके मांग के थे अगर उसे लाती है तो उसे दुखी देंगे, उनकी यादें आएंगी और ये दुखित हो जाएंगे। The address, ये कहानी that held so much importance till she visited that place lost its value and the girl realized that it would get her nothing but pain. ये जो address जो इसकी माँ अपनी बेटी को address दी थी कि वहाँ मेरा सामान है और वो लगाम था, importance दे रहे थे इस address को, और जब उस एड्रेस के साथ पहुंचती है होलैंड में और उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ये महसूस करती है तो ये जो इम्पोर्टेंस है एड्रेस का उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। वो समझ जाती है कि इस दुनिया में ये एड्रेस जो मिला था जिसके माध्यम से माँ का सामान लाना था वो निरर्थक है, वो दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। यानी इस कहानी में यही बताया गया है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है न कि वस्तु। व्यक्ति की वजह से वस्तु का महत्व होता है न कि वस्तु की वजह से व्यक्ति का महत्व होता है।